आईपीएल का मेगा ऑक्शन जल्द होने वाला है, ऐसे में खबरें ऐसी आ रही थी कि शायद इस साल मेगा ऑक्शन शायद ना करवाए जाए, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी के ओनर्स हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम है मेगा ऑक्शन से, क्योंकि अगर ऑब्वियसली मेगा ऑक्शन हुआ तो रूल यही है कि आप 4 खिलाड़ियों से ज्यादा रिटेन नहीं कर पाएंगे, जिसमें 3 आपके इंडियन प्लेयर्स हो सकते हैं तो वही एक ओवरसीज प्लेयर हो सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी इस बात से, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि एमएस धोनी अगर 4 से ज्यादा प्लेयर्स को रिटेन करती है, फ्रेंचाइजी जो है रूल ऐसा आता है, तो ही एमएस धोनी अगले साल आईपीएल खेलेंगे, वरना वो नहीं खेलेंगे। इस सारे बातों पे जो 31 तारीख को मीटिंग हुई थी बीसीसीआई के बीच में, आईपीएल के सीईओ के बीच में और फ्रेंचाइजी के ओनर्स के बीच में, उसमें कुछ नतीजा निकला है और अब आईपीएल मेगा ऑक्शन से रिलेटेड 3 सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चलिए इस वीडियो में बताते हैं आपको कि क्या है आखिर वो 3 सबसे बड़ी अपडेट। 31 जुलाई की मीटिंग में कुछ टीम मालिकों ने मेगा ऑक्शन को करवाए जाने पर आपत्ति जताई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई मेगा ऑक्शन को रद्द करने के मूड में नहीं है। जब आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन करवाए जाने की खबर फैली, तब 3-4 खिलाड़ियों को रिटेन करने का नियम सामने आया था। अब टीम मालिकों के साथ मीटिंग के बाद बीसीसीआई हर एक फ्रेंचाइजी को 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति दे सकती है। रिटेंशन रूल्स की बात करें तो जिन 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति दी जाएगी, उनमें रिटेंशन और राइट टू मैच दोनों का विकल्प खुला रखा जाएगा। इससे पहले प्रत्येक फ्रेंचाइजी 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर पाती थी, जिसमें राइट टू मैच का कोई प्रावधान नहीं होता था। इन 3 बड़ी अपडेट से सबसे बड़ी जो खबर है वो ये निकल के सामने आ रही है कि देखिए मेगा ऑक्शन तो होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होगा कि मेगा ऑक्शन खत्म कर दिया जाएगा। 2022 में मेगा ऑक्शन हुआ था और अब 2024 के लास्ट में भी मेगा ऑक्शन करवाया जाएगा आईपीएल 2025 के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो नतीजा इस सबसे निकल के आ रहा है वो ये हो सकता है कि 4 खिलाड़ियों को जहां रिटेन करती थी सारी फ्रेंचाइजी, वहां ये हो सकता है कि 4 खिलाड़ियों की जगह 6 खिलाड़ी को रिटेन करने का प्रावधान आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेंचाइजी बहुत ज्यादा परेशान होती है अगर मेगा ऑक्शन होता है तो, क्योंकि सारे खिलाड़ी उन्हें रिलीज करने पड़ते हैं जिनके बेस्ट खिलाड़ी होते हैं, अपने बेस्ट खिलाड़ी को भी वो रिटेन नहीं कर पाते, इस वजह से टीम थोड़ी बिखर सी जाती है और फिर जो उनके अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो दूसरे टीम्स में चले जाते हैं और इसका असर फिर आईपीएल के रिजल्ट्स में फाइनल में देखने को मिलता है। क्योंकि आप जैसे पंजाब किंग्स को ले लीजिए, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये लोग तो ऑक्शन में ही मतलब हार जाते हैं एक तरीके से ये बोले, क्योंकि कभी बॉलर अच्छे नहीं लेते, कभी बैटर अच्छे नहीं लेते, तो ये सारी चीजें सामने आती है मेगा ऑक्शन से। इसी वजह से फ्रेंचाइजीज हैं वो 4 खिलाड़ियों की जगह 6-7 खिलाड़ियों को रिटेन करने का प्रावधान चाहती है। अब देखना होगा कि क्या कंफर्मेशन आती है आगे आईपीएल मेगा ऑक्शन पर। बाकी आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।